उसका प्राइस मैं आपको बाद में डिस्क्लोज करता हूँ। ओके जी, तो ये वाला जो माउंट है ये तो यहाँ पे लग चुका है इस तरीके से। ये मस्त है भाई। मेन इसका फिट के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं बेसिकली जाना का जो माउंट है जीपीएस के लिए उसको माउंट कराने के लिए आया हूँ। एंड वी आर एट मोटर एट हाउस, ये यहाँ पे पड़ता है पास में ही, मेरे घर के लोकेशन के पास में ही है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि उसको माउंट कराऊंगा। थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था उसको माउंट करना, क्योंकि एक तो बोल्ट्स का प्रॉब्लम है और प्लस उसी के साथ में जो फिटमेंट है, जो वायरिंग रहेगी, वो थोड़ा सा उसको टैग करना पड़ेगा, जिप टैग यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी यहाँ से जल्दी से बाइक को लेके आता हूँ। दिस इज मोटर एट हाउस एंड इट्स इन होयसाला नगर, राममूर्ति नगर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ट्रायम्फ की बाइक्स, काफ़ी सारी ट्रायम्फ की बाइक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके ओनर हैं वो ट्रायम्फ में काम कर चुके हैं। तो अभी अपनी वाली जो बाइक है यहाँ पे खड़ी हुई है। वैसे कोई सी भी बाइक अगर सर्विस करानी है तो आ सकते हैं यहाँ पे। अभी अपना बाइक लेके चलते हैं बेसिकली। तो माउंट जो मैंने बाइक किया था वो जाना का, ये वाला यहाँ से मूव होके यहाँ पे शिफ्ट होएगा, क्योंकि अभी जो टैंक बैग मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पे फिर इसको फोल्ड कर रखना फोल्ड करके रखना पड़ता है। सो अभी देखो ये वाला जाना का जो माउंट है ये यहाँ पे इस तरीके से फिट होएगा। अभी वही देख रहे हैं कि कैसा लगेगा। मेन इसका फिट के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी जो वायरिंग है ये निकालनी पड़ेगी, इसको प्रॉपर से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हैंडल वाला आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। एंड उसी के साथ में जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तो वायरिंग थोड़ा सा लूज़ करके इसको टाइट करना रहेगा जिप टैग से, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर फिट होएगा तभी मैं उसके बाद जाके इसको यूज़ कर पाऊँगा। एंड इसकी प्रोडक्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं, इसका प्राइस मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ करता हूँ, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी लगा मेरे को। देखो ये वाला बीच में है जिसमें जो माउंट है जीपीएस वाला, ये यहाँ पे लगेगा ऐसे, और इसी के साथ में जो दो क्लैंप्स हैं, ये वाइज़र का जो क्लैंप है यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अभी इस साइड से होएगा कैसे होएगा वो देखना पड़ेगा, आई गेस मोस्टली ऐसे लगना चाहिए। हाँ, ये वाइज़र वाला आगे साइड में ऐसे लगेगा एंड ये बीच में इस तरीके से फिट होएगा, एंड सेम वे में दूसरी वाली साइड में। तो ये एक बार फिट होता है फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि जैसे भी आप लोगों को माउंट मूव करना हो वो हो जाएगा। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट कैटलॉग, दिस प्रोडक्ट कोड इज़ ZP080। तो अगर आप लोगों को बाई करना है तो ज़रा जाना इंटरनेशनल का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से बाई कर सकते हो। तो इनका वेबसाइट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, zanainternational.com। एंड इनकी एक्सेसरीज कंपेरेटिव टू GV और बाकी जो भी आते हैं उनसे काफ़ी कम प्राइस है, तो अच्छी चीज़ है। और बाकी ये तो आप लोग देख रहे हो क्लैंप, ये मैंने LRL मोटर्स का जो टॉप रैक लगाया था, अगर नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। So that clamp will fit on this one, right? So we don't need any additional bolts. You can use. Okay. So बाकी देखो यहाँ पे काफी सारी बाइक्स आ रखे हैं। ये अभिजीत की बाइक है तो हम लोगों का भी लंबी ट्रिप का प्लान बन रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम में इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। अगर नहीं फॉलो करते तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नदीमलवी ब्लॉग्स, तो जहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। एंड बाकी ये देखो यहाँ पे टाइगर, ये भी टाइगर वो भी टाइगर, हर जगह टाइगर ही टाइगर है भाई। और बाकी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोगों को, बट एक ही जो है BMW मेरे को दिख रही है पूरे शोरूम में। वाह, तो ब्लू है भी यार रखे हैं वहाँ पर, फोटो खींच रही है भाई। बाकी देखो ब्लू भाई की KTM है, यहाँ पे इनोवा वाला लगा हुआ है। अरे बड़ा लंबा वायरिंग है इसका, ये इतना वायरिंग इसका एक नहीं बाहर का भी है ना। अच्छा ओके हाँ सही है। ये अभी क्या ये ना आगे पीछे का दोनों
अभी देखो इतना बाइक खुली गया तो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्लैंप है ना नंबर प्लेट के लिए, ये मैंने BMW से खरीदा था। इसका प्राइस था 2000 रुपीज़। तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ वर्थ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा मेरे को। देखा जाए तो 2000 रुपये का ऐसा कुछ नहीं, मेरे को GPS माउंट मिल गया मेरे को 2500 रुपये में। एंड काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि क्रैश गार्ड कैसा है जो मैंने इसका वंडरलिश का इंस्टॉल किया। तो देखो अभी यहाँ पे इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो बहुत ही हल्का सा प्ले है। यहाँ पे इवन अगर आपकी बाइक ड्रॉप होती है ना तो हिलेगा भी नहीं, तो ये चीज़ बहुत सही है। तो जिसने भी पूछा है आप लोग देख सकते हो कितना है, मतलब इसमें प्ले नहीं है, काफ़ी बिल्कुल ही कम प्ले है। एंड स्पेशली अगर बाइक आपकी जो यहाँ तक इम्पैक्ट होता है वो मेजरली वो अपना बाइक का जो है ये जो क्रैश गार्ड है वो आराम से हैंडल कर लेगा। तो ये देखो इस तरीके से क्वालिटी है एंड काफी अच्छा लगा यार। मतलब ये Z Pro यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो अभी खोला हुआ है तो ग्रेनी सा फिनिश है इसका, मेटेलिक फिनिश नहीं है, बट बहुत सही क्वालिटी लग रही है। So additional bolts are not required, right? You are able to manage in that. Okay. Nice. इसमें दूसरे जो बोल्ट्स हैं उसका भी जरूरत नहीं पड़ा, जो कि अच्छा चीज़ है। तो इन्होंने तभी उसी हिसाब से भेजा था। एंड आई गेस 850 GS दोनों में ही लगवा सकते हो, क्योंकि जो वाइजर वाला जो क्लैंप है वो दोनों का सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। GS बड़ी दिखती है, बस वो टैंक वाइज जो है मेजर डिफरेंस है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ से दोनों तरफ से क्लैंप जो है माउंट हो चुका है। ये वाला बेसिकली जो फ्लैट वाला साइड है वो फ्रंट की ओर फेसिंग रहेगा, और ये बाकी जो दो चीज़ें यहाँ पे लग जाएगा। एंड अभी जो है दूसरा वाला पार्ट जो बीच में सेंट्रल सिलिंड्रिकल पार्ट है वो अभी लगेगा, फिर यहाँ से इस क्लैंप को हटा के देन उसके बाद में माउंट हो जाएगा। तो ये वाले जो दो क्लैंप हैं इसको फिट करने के बाद में देन ये वाला आप लोगों को बोल्ट फिट कर देना है L की से, ईजिली फिट हो जाएगा। ओके जी, तो ये वाला जो माउंट है ये तो यहाँ पे लग चुका है इस तरीके से, ये तो स्टिफ है काफ़ी। अभी सीन ये है कि ये वाला जो BMW का जो माउंट है मेरे पास में, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जो क्लैंप है ये यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसका विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी सीन ये है कि या तो मैं इसको सेल करूँ या फिर मैं इसके लिए एक दूसरा कॉर्ड लॉक का माउंट लूँ जिसमें कि मेरा फ़ोन माउंट हो जाएगा। तो बेसिकली फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से माउंट हो जाएगा तो इजी रहेगा। एंड अगर इनके इस बम्प में आके ये ऐसे भी होता है, कभी कभी हो जाता है ज़्यादा जर की वजह से, तो फ़ोन में कुछ डैमेज नहीं होएगा, फ़ोन आराम से अपना उतने एरिया में एडजस्ट हो जाता है। एंड प्लस इस वाले को देखेंगे, अगर क्लैंप बनवाना रहेगा तो बनवाएंगे, वैसे इसको ज़्यादा कुछ मूव करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एनीवेज मेरे को जो BMW का क्रैडल है वो खरीदना पड़ेगा, उसका भी प्राइस अराउंड 24,000 है, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। बट एनीवेज इसको लगा के रख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन माउंट तो हो ही जाएगा, और अगर इस पर फ़ोन माउंट करना है तो आप लोगों को क्रैडल खरीदना पड़ेगा एंड क्रैडल विल कॉस्ट यू अराउंड 24, तो इसका तो कुछ यूज़ नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या करना है आगे, बट एनीवेज दिस इज़ अ फेल, बिग फेल, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ और मेरे को फिट करवानी है, वो है जो साइड स्टैंड एक्सटेंशन जो है मेरे पास GV का, वो निकल गया था उसका बोल्ट, उसका देखते हैं अगर इनके पास रहेगा तो लगवा लेते हैं। ये देखो ये नया ये मस्त है भाई, इसको भी राइड पे लेके जाएंगे क्या, बढ़िया लग रहा है यार, ये फनी है। सो गाइस, जाना का जो माउंट बाई गया था वो तो लग नहीं पाया, मतलब माउंट लग गया बेसिकली। तो जाना सपोर्ट टीम से भी मैंने बात की है, तो वो लोग बोले कि जो इशू है वो GPS माउंट में है, ना कि जाना के माउंट में। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लोग कॉल कर रहे हो उसको GPS माउंट, देन बेसिकली इट हैज़ टू बी द BMW GPS माउंट, क्योंकि वही बंदा मूव करेगा, और बाकी तो फ़ोन लॉक जो रहता है वो तो अपना आराम से फिट हो ही जाता है किसी में भी, तो वो इशू है। क्योंकि अगर वही लेना होता तो मैं हैंडल बार में लगा लेता फ़ोन माउंट को, तो इस तरीके से ये कुछ इशू हुआ है। तो यहाँ पे जो GPS माउंट जो BMW का आता है वो यहाँ पे मूव नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं अभी क्या करेंगे,
या तो मैं क्वाड लॉक का जो माउंट आता है फोन माउंट वो यहाँ पे लेके लगाऊंगा, जो कि यूजफुल हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रंट व्यू रहता है स्क्रीन के साइड में तो अच्छा रहता है व्यू, वो बाई कर लूँगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज इस वाले को तो यहाँ पे मूव करके कुछ फायदा नहीं है, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है। एनीवेज अगर वीडियो आज का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।